हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टीरियस टेक जीएनटी। और गाइस, जैसा कि आपको पता है, मोटो ने अपना फोन लॉन्च कर दिया है, मोटो वन फ्यूजन प्लस। तो गाइस, आपको पता होगा मोटो का ये फोन बहुत ज्यादा हाइप में आ रहा है आजकल। आप हर जगह सुन रहे होंगे क्या मोटो वन फ्यूजन प्लस ने कर दिया कमाल, मोटोरोला का आ गया ऐसा फोन। तो क्या यार सच में वो ऐसा फोन है या फिर कुछ ज्यादा ही हाइप उड़ाई जा रही है, इस वीडियो में आपको पूरी सच्चाई पता लगेगी। तो वीडियो को पूरे एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस फोन में क्या क्या आपको अच्छी चीजें देखने को मिलती है और क्या क्या इस फोन में आपको कमियां देखने को मिलती है। क्योंकि कमियों के बारे में कोई भी नहीं बता रहा है, सब कह रहा है फोन बहुत ज्यादा लाजवाब है। तो देखते हैं क्या फोन सही में लाजवाब है या फिर फुस्सी बम है। तो आप पूरी वीडियो जरूर देखना, पूरी की पूरी सच्चाई लाने वाला हूं आपको इस वीडियो में। वीडियो पूरा देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपको ये फोन 17,000 रुपीस में परचेस करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो पूरा देखना। चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार, हमें एक बात तो माननी ही पड़ेगी यार, मोटोरोला ने अपनी मोबाइल फोन इंडस्ट्री में वापसी करने के लिए इसी मोटो वन फ्यूजन प्लस को लॉन्च किया है। और जैसा कि आपको पता है, मोटोरोला सालों साल बहुत ज्यादा नीचे गिर रहा था, तो यार उन्होंने अपनी पोजीशन को संभालने के लिए इसी मोटो वन फ्यूजन प्लस को लॉन्च किया है। तो देखते हैं क्या ये मोटो वन फ्यूजन प्लस क्या सही में वैल्यूएबल डिवाइस है और क्या हमें 17,000 रुपीज में उतनी वैल्यू प्रोवाइड करता है या फिर नहीं। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके कुछ अच्छे फीचर्स के बारे में, जो कि यार मुझे इसके काफी अच्छे फीचर्स लगे और इस प्राइस सेगमेंट में बहुत ही कम डिवाइस में ये फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो मुझे अच्छी चीज लगी है वो ये है, मोटो वन फ्यूजन प्लस जो है उसमें आपको फुल स्क्रीन डिस्प्ले देखने को मिलती है, विदाउट नॉच, विदाउट पंच होल कैमरा, कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है। इसमें आपको पॉपअप कैमरा देखने को मिलता है और जो गाइस इसमें डिस्प्ले है वो काफी कमाल की है, FHD प्लस देखने को मिलता है और उसका रेशियो भी काफी ज्यादा अच्छा है। क्योंकि यार फुल व्यू डिस्प्ले है, तो अगर आप गेमिंग खेलोगे या फिर या मूवीज देखोगे या कुछ भी करोगे, उसमें आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा कमाल का रहने वाला है। तो गाइस, ये तो मुझे डिस्प्ले के बारे में काफी अच्छी चीज लगी, जो कि यार थम्स अप है मोटोरोला को। तो यार इस डिवाइस में जो यार मुझे सेकंड अच्छी चीज लगी है वो यार काफी ज्यादा अच्छी है और कोई भी ब्रांड यार वो चीज प्रोवाइड नहीं करती है। और एक और चीज यार, बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है उसे आप बिल्कुल ही इग्नोर करना, क्योंकि यार कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, तो यार मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता हूं। तो यार सेकंड अच्छी चीज ये है कि इसमें आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाती है, वो भी यार 6GB रैम के साथ, और वो भी सिर्फ 17,000 रुपीज में, जो कि यार कोई भी ब्रांड हो, रेडमी हो, रियलमी हो, शाओमी हो, कोई भी ये चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रही है। तो यार काफी बड़ा थम्स अप है मुझे मोटोरोला को, क्योंकि यार 128GB की इंटरनल स्टोरेज सही में यार काफी ज्यादा रिक्वायर्ड है। और किसी के पास माइक्रो SD कार्ड नहीं है तो यार वो 64GB में अपनी सारी चीजें नहीं रख सकता है और कभी ना कभी यार 64GB कम ही पड़ जाती है। और काफी अच्छी बात है, इसमें आपको 128GB की इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है। तो गाइस, जो थर्ड अच्छी चीज है वो भी काफी अच्छी है, इसमें आपको मिल जाती है 5000mAh की बैटरी, जो कि यार काफी लॉन्ग लास्टिंग चलेगी और हर डिवाइस में यार कम से कम 5000mAh तो होनी चाहिए, ताकि आप वन डे का बैकअप आराम से ले पाओ। तो ये भी आपको काफी अच्छी चीज देखने को मिलती है मोटो वन फ्यूजन प्लस में। और गाइस, जो फोर्थ अच्छी चीज आती है वो इसका 64MP का कैमरा, जो कि यार काफी ज्यादा अच्छा है और इस प्राइस पॉइंट में आपको मिल तो जाता है, पर गाइस इसमें भी आपको मिल रहा है तो काफी अच्छी बात है ये। और साथ में गाइस, इसमें जो आपको मिलता है वो है कंपनी का ट्रस्ट, क्योंकि यार कंपनी ने कहा है फिफ्थ चीज जो कि है आपको इसमें 2 years तक सिक्योरिटी पैच के अपडेट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे और साथ में इसमें आपको एंड्रॉइड 11 का भी अपडेट बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो कंपनी ने अगर कहा है कि 2 years तक आपको सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलता रहेगा, तो यार आपको ट्रस्ट जरूर से होना चाहिए और काफी अच्छी चीज है, क्योंकि यार अगर सॉफ्टवेयर पे कंपनी ध्यान ना दे तो बहुत बेकार हो जाता है। अगर फोन कितना भी अच्छा हो कम प्राइस में, अगर सॉफ्टवेयर उसका अच्छा ना हो तो उतना मजा नहीं आता है। और इसमें आपको सॉफ्टवेयर भी यार स्टॉक एंड्रॉइड जैसा मिलता है, जो वो भी काफी अच्छी बात है। तो ये तो हो गए इसके सारे अच्छी चीजें। अब बात कर लेते हैं गाइस इसके बुरी चीजों के बारे में, मतलब इसके कमियों के बारे में। तो यार अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि यार बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है अगर आप एक लाइक करते हो। और यार चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस, बात कर लेते हैं इसकी कमियों के बारे में। तो गाइस, इसकी जो मैं पहले कमी लगी वह बहुत ज्यादा मेन है और यार कंपनी को जरूर से ये चीज प्रोवाइड करवानी चाहिए थी, जो कि यार हर ब्रांड प्रोवाइड करवाती है, चाहे वो रेडमी हो, शाओमी हो, रियलमी हो, कोई भी हो, पोको हो, सारे ब्रांड सारे प्रोवाइड करवाती है, जो कि यार ग्लास बैक। तो यार कंपनी
कंपनी ने इस प्राइस पॉइंट में भी हमें प्लास्टिक बैग प्रोवाइड करवाया है और बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, सॉरी फॉर दैट, इसका कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो प्लास्टिक बैग कंपनी ने प्रोवाइड करवाया है मोटो ने, तो यार ये अच्छी बात नहीं लगी मुझे। कम से कम यार गोरिल्ला ग्लास 3 देते पर ग्लास बैग देना चाहिए था। वैसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे ही पता है, आपको ही पता है, ज्यादातर यूजर आप सब में से यार कोई ना कोई प्रोटेक्टर जरूर से यूज करते हैं, कोई ना कोई कवर जरूर से लगाते हैं। तो यार अगर आप भी कवर लगाते हो, अपना फोन यार बाहर नहीं रखते हो, तो यार आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए प्लास्टिक बैग से। पर हाँ, ग्लास बैग यार देना चाहिए था मोटोरोला को। साथ में गए जो सेकंड कमी लगी वो ये है, इसमें आपको सिर्फ 60Hz का रिफ्रेश रेट मिलता है और ना ही कोई सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलती है। वैसे आप बोलोगे इस प्राइस पॉइंट में तो वैसे भी नहीं मिलता है, पर हाँ यार देखो पोको X2 में आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, तो कम से कम अगर इसमें 90Hz का रिफ्रेश रेट हो पाता तो वो ज्यादा अच्छा रहता। अगर इसमें 60Hz है ना सुपर एमोलेड है तो कम से कम 90Hz का तो देना चाहिए था। ये भी यार थोड़ा बहुत डाउन साइड है इस मोटो वन फ्यूजन प्लस की। साथ में जो थर्ड डाउन साइड है वो है इसकी चार्जिंग स्पीड। तो इसमें आपको चार्जर जो मिलता है वो मिलता है इन द बॉक्स 18W का चार्जर। तो यार ये 18W का चार्जर सफिशियंट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बैटरी मिलती है 5000mAh की। अगर आप कंपटीशन देखोगे तो सारे जो कंपनीज के चार्जर है, किसी का 33W, किसी का 30W, तो यार बहुत अच्छी अच्छी स्पीड में है। तो कम से कम इन्हें 23W या 27W का चार्जर जरूर से देना चाहिए था, क्योंकि यार अगर आप 18W से चार्ज करोगे 5000mAh की बैटरी को, 2 hours 45 minutes से लेकर 3 hours तक आपको लग जाएगा टाइम। तो यार इनको चार्जर थोड़ा अच्छा देना चाहिए था। ये भी यार थोड़ी डाउन साइड लगी मुझे मोटो की। और साथ में गाइस ज्यादा और डाउन साइड नहीं है, पर गाइस इतनी साइड डाउन साइड है। और साथ में एक हाइब्रिड सिम स्लॉट भी आपको देखने को मिलता है, जो कि अब थोड़ी डाउन साइड है, पर मैं इसे डाउन साइड नहीं मानता, क्योंकि इसमें 128GB की इंटरनल स्टोरेज है। तो अब मुझे नहीं लगता आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने की जरूरत है। तो माइक्रो SD कार्ड नहीं लगाओगे तो आप 2 SIM तो यूज कर ही सकते हो। पर गाइस ये अगर डाउन साइड आप देखी जाओ तो डाउन साइड तो है ही, पर यार कोई ज्यादा नहीं है, क्योंकि यार हाइब्रिड नहीं है, पर 128GB का आपको इंटरनल स्टोरेज मिलती है, जो किसी और फोन में इस प्राइस पॉइंट में नहीं देखने को मिलती। तो यार अब आते हैं बात कंक्लूजन पे। तो कंक्लूजन क्या है, तो क्या आपको ये फोन 17,000 rupees में बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड करता है पूरे मार्केट में? तो गाइस जैसा कि अब मैं आपको बताऊं, जैसे पोको X2 आपको पता है, पोको X2 की जो प्राइस है थोड़ी बहुत इंक्रीज हो चुकी है, 17,500 हो चुके हैं मेरे ख्याल से। तो यार ये पोको X2 से तो बेस्ट नहीं है, पर गाइस हाँ पोको X2 से खराब भी नहीं है, क्योंकि इसमें आपको फुल HD डिस्प्ले, फुल व्यू डिस्प्ले में देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 64MP का कैमरा मिलता है, 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। तो यार अगर आप लेना चाहो इसे 17,000 rupees में, तो बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। और ये गाइस जो आपका रेडमी नोट Pro Max है, उससे भी यार ये काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। हालांकि यार Redmi Note 9 Pro Max में 500 rupees कम है, पर अगर आप उसकी 128GB वाली स्टोरेज देखोगे तो वो 18,000 rupees का है। और वहीं पे यार ये 17,000 rupees का मिलता है, जो कि काफी अच्छी बात है। प्रोसेसर देखो 730G काफी अच्छा है, पावरफुल प्रोसेसर है, इस प्राइस पॉइंट में काफी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से ये जो फोन है बेस्ट वैल्यू फॉर मनी आपको 17,000 में प्रोवाइड करवा देगा। वैसे आप पोको X2 की भी तरफ जा सकते हो, तो दोनों आपके पास चॉइस है, पोको X2 या फिर ये और मोटो वन फ्यूजन प्लस, दोनों ही बेस्ट है। जो भी आपको लेना है तो ले सकते हो। और गाइस मेरे हिसाब से जो फोन है काफी अच्छे हैं। तो यार मोटो की तरफ से गुड वर्क, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर से कर देना, और नए आए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइस माय वीडियो देखने के लिए।